कहां गए आखिरकार बच्चे। बालाघाट जिले में बच्चों के लापता होने का सिलसिला थम नहीं रहा। मंगलवार को लांजी थाना के अंतर्गत कलपाथरी निवासी तीन बच्चे घर से स्कूल के लिए निकले थे लेकिन घर नहीं लौटे। 13 फरवरी को बारा सिवनी के मुरछड़ से दो बच्चे लापता हो गए। 10वीं की छात्रा अंजलि, जिनके पिता का नाम झनक चौके है, कक्षा 6वीं का छात्र देवराज, पिता गणपत चौके, और खुरेंद्र, पिता चमन चौके, स्कूल के बाद घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों का ये कहना है कि बच्चों का अपहरण हो गया। जिले में तीन दिन में पांच बच्चों के लापता होने से परिजनों में आक्रोश है और जैसे ही बच्चों के लापता होने की शिकायत थाने तक पहुंची, पुलिस ने बच्चों की तलाशी शुरू कर दी। पुलिस की मुहिम रंग लाई और कलपाथरी से लापता हुए तीनों बच्चे सिवनी में एक बस में सवार मिले। पुलिस ने बच्चों को अपने कब्जे में लेते हुए परिजनों को उन्हें सौंप दिया है। पुलिस का ये कहना है कि शुरुआती पूछताछ और जिस तरह से बच्चे बरामद हुए हैं उससे अपहरण जैसी तो कोई बात दिखाई ही नहीं दे रही। वहीं बारा सिवनी थाना क्षेत्र के ग्राम मरझड़ में 13 फरवरी को दो बच्चे गुम हो गए थे। माध्यमिक शाला में कक्षा 8वीं की पढ़ाई करने वाले निखिल घोडेश्वर और सुजीत योगराज गौतम दोनों सोमवार सुबह करीब 10 बजे घर से स्कूल जाने के लिए साइकिल से निकले थे लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचे। अब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें दोनों बच्चे तो दिखाई दे रहे हैं। पुलिस बच्चों की तलाश भी कर रही है लेकिन अब दोनों बच्चों का कोई पता नहीं चल पा रहा। तो बालाघाट जिले में ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो लापता हो रहे हैं। हालांकि तीन बच्चों का तो पता चल गया लेकिन दो बच्चे फिलहाल अभी तक उनकी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिला, खंगालने की कोशिश जो है वो कर रही है, तमाम जांच जो है वो चल रही है। इसके बाद भी दो बच्चों के लिए फिलहाल कोई पता साजी नहीं हो पाई।